दोस्तों आप लोगों ने शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो काफी बार देखी होगी। ये फिल्म इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इसकी हर किरदार दर्शकों के जहन में आज भी जिंदा है। आज भी दर्शक इसके हर एक किरदार को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसा ही एक किरदार था फिल्म में प्रीति का। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रीति है जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान की पत्नी बनते बनते रह गई। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस फिल्म में प्रीति का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है, कैसे दिखती है? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही DDLJ के लिए इस वीडियो पर लाइक तो बनता है। दोस्तों बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में प्रीति का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम मंदिरा बेदी है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1972 को कोलकाता में हुआ। हम आपको बता दें कि मंदिरा बेदी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो शक्ति से की थी, जिनमें इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। इस शो में इनके अभिनय को देखते हुए इनको फिल्म DDLJ ऑफर हुई, जिसमें इन्होंने प्रीति का किरदार निभाया और इस किरदार के जरिए काफी ज्यादा फेमस हो गई। जहाँ एक और इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी हर किसी को पसंद आई, तो दूसरी ओर इस फिल्म में मंदिरा बेदी को भी हर किसी ने पसंद किया। इस फिल्म के बाद इनको टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देखा गया और इस शो में इनकी एक्टिंग को हर किसी ने पसंद किया। लेकिन 90 के दौर में इनका करियर कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इन्होंने 1999 में बॉलीवुड निर्माता राज कौशल से शादी कर ली। शादी करने के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरियां बना ली और कुछ समय बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की और इनका बदला हुआ रूप देखकर हर कोई हैरान हो गया, जिसके बाद इनको टीवी शो डील और नो डील में एक अलग अवतार में देखा गया। इनका ये अलग अवतार हर किसी को पसंद आया। आज मंदिरा बेदी 47 साल की हो चुकी है और आज ये पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी हैं। आज इनको पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। 47 साल की उम्र में भी ये और ज्यादा स्टाइलिश दिखती हैं। हाल ही में इनको बॉलीवुड फिल्म साहो में देखा गया है। भले ही ये पहले एक खास मुकाम हासिल न कर पाई हो, लेकिन आज इनका करियर एक अलग मुकाम पर है। आज इन पर लाखों लोग फिदा हैं। तो दोस्तों DDLJ की बदली हुई प्रीति आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।